हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अंकुर गहलोत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंकुर गहलोत फोटोग्राफी में। दोस्तों, यहाँ पर हम गिम्बल के कुछ मूव सीखेंगे और यहाँ पर मैंने अपना मोजा क्रॉस टू गिम्बल के साथ में 5D मार्क 4 को अटैच किया है। तो दोस्तों, इनके कॉम्बिनेशन का क्या कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन के साथ में वीडियो की क्या क्वालिटी आती है और कैसे मूव हम आज शूट करते हैं, तो आइएगा दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम ये जो मूव है, ये मूव है फॉलो योर सब्जेक्ट फ्रॉम बिहाइंड, यानी कि अपने जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पीछे से हम ये शॉट बना रहे हैं और हम इस शॉट में सब्जेक्ट हमारा आगे चलेगा तो हम उसके साथ साथ उसके आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो शॉट है, दूसरा शॉट जो है फॉलो योर सब्जेक्ट फ्रॉम फ्रंट, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हमने आगे से शूट किया है। अब हम अपने सब्जेक्ट के आगे चल रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट हमारा आगे आगे चलता रहेगा और हम पीछे की तरफ हम चलेंगे, तो ये सब्जेक्ट के फ्रंट का हमने शॉट यहाँ पर लिया है। दोस्तों, ये दोस्तों राउंड का है, सबसे प्यारा शॉट होता है राउंड का। तो यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट को खड़ा किया है और सब्जेक्ट के चारों तरफ हम गिम्बल को लेके मूव कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हमने सब्जेक्ट के चारों तरफ अपने आप को गिम्बल को हमने मूव कराया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि ये टॉप टू डाउन, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसको टॉप से लेके नीचे तक हमने ये शॉट लिया है, टॉप टू डाउन शॉट है। और ये शॉट देखेगा हमने इस तरीके से लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट शॉट हमारा डाउन टू टॉप, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है अपने जो कैमरा है हमारा, कैमरे का जो एंगल है उसको हमने डाउन से स्टार्ट करा है और सब्जेक्ट के टॉप पर ले जा करके हमने स्टॉप करा है। तो ये डाउन टू टॉप शॉट हो गया। एंड यहाँ पर नेक्स्ट शॉट है दोस्तों साइड ट्रैक टॉप, यानी कि हमने अपने जो सब्जेक्ट है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसको हमने साइड से ट्रैक करते हुए जा रहे हैं और ये टॉप का है। तो यानी कि टॉप का मतलब उसका फेस हमने लिया है टॉप एंगल की तरफ से, साइड से, और इस तरीके से हमने ये शॉट लिया है दोस्तों। एंड नेक्स्ट शॉट है साइड ट्रैक डाउन। यानी दोस्तों, साइड ट्रैक डाउन में हमने अपने जो कैमरे का जो एंगल है वो डाउन की तरफ रखा है सब्जेक्ट के पैरों की तरफ और हम साइड से इसको ट्रैक कर रहे हैं, तो साइड ट्रैक डाउन ये शॉट हो गया। तो दोस्तों, ये शॉट हमने इस तरीके से लिया है जैसा आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट शॉट हमारा होगा चेस्ट ट्रांजिशन, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हमने यहाँ पर दो शॉट लिए हैं, दो शॉट को मिक्स करके एक शॉट बनाया गया है। कि पहला शॉट हमने लिया है सब्जेक्ट के, हमने फ्रंट से शॉट लिया है और एक शॉट जो लिया है ये फ्रंट से लेने के बाद में जो नेक्स्ट शॉट होगा हमारा वो हमने सब्जेक्ट के बैक साइड से शॉट लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से हमने ये शॉट लिया गया है आउट ऑफ फोकस शॉट। इसमें दोस्तों बहुत ही प्यारा शॉट है और बहुत ही इजी ट्रिक है इसको शूट करने का। यहाँ पर हमने अपने सब्जेक्ट को पहले फोकस में ले लिया है, फोकस में लेने के बाद में हमने कैमरे को मैनुअल फोकस पे लगा दिया है। मैनुअल फोकस पे लगाने के बाद में अब हम अपने गिम्बल को जो है हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ये शॉट लिया है। बट हम जब इसको एडिटिंग पे डालेंगे तो इसको हम रिवर्स
करके इसको हम दिखलाते हैं दिखला सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये शॉट मैंने रिवर्स करके यहाँ पर मैंने ये चलाया है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत इजी शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है ये। एक शॉट है दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है वेडिंग में, सबसे ज़्यादा फोटोग्राफरी यूज़ करते हैं इसको, 360 डिग्री का शॉट है ये। इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा गिम्बल जो है, गिम्बल पे कैमरा ये 360 डिग्री के एंगल पे घूमता है। और इस शॉट को देखिएगा दोस्तों, हमने इस तरीके से शूट करा है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कैमरा हमारा जो है 360 एंगल पे घूम रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बराबर वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।